नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम जयराम ठाकुर ने कैबिनेट बैठक को बुलाने का निर्णय ले लिया है। तो इस बैठक में हिमाचल प्रदेश में नई बंदिशों को लेकर बड़ा फैसला होना है। इसके अलावा कर्मचारियों और पेंशनरों से भी जुड़ी बड़ी अपडेट आपके समक्ष साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट बैठक होनी है, तो इस बैठक में क्या बड़े फैसले होंगे। तो और बढ़ेंगी बंदिशें, 14 को कैबिनेट मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ चर्चा कर फैसला लेंगे मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश में कोरोना बंदिशें और बढ़ सकती हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक 14 जनवरी को बुलाई है, जिसमें मंत्रिमंडल के बीच कोरोना संक्रमण की स्थिति और आने वाले समय की रणनीति पर फैसला होना है। फिलहाल सरकार ने सरकारी दफ्तरों में 50% कैपेसिटी के साथ 5-day week को लागू किया है। बड़े समारोह में लोगों की संख्या को सीमित किया गया है। इसमें इंडोर में 100 और आउटडोर में 300 लोगों की संख्या लागू की गई है। इसके साथ ही बाजारों के खुलने और बंद होने के समय को भी तय किया गया है। लेकिन अब सरकार बाहर से आने वाले लोगों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फैसला ले सकती है। इसके अलावा बात करें तो क्या राज्य में लोगों की मूवमेंट को रोकने के लिए कर्फ्यू जैसी रणनीति पर विचार होगा, यह भी मंत्रिमंडल में चर्चा होनी है। इसलिए लोगों को आने वाले दिनों में कुछ और बंदिशों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसके साथ ही नए पे कमीशन के पेंशन रूल पर भी कैबिनेट में बात हो सकती है। हालांकि अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना खुद कोरोना पॉजिटिव हैं और वो इस कैबिनेट में शामिल न हों। वहीं इसके अलावा बात करें तो ऐसी स्थिति में उनकी अनुपस्थिति में क्या पेंशन रूल को पारित किया जा सकता है, इस बारे में पेंशनरों को इंतजार है। कर्मचारियों पर पे रिवीजन रूल्स लागू होने के बाद अब पेंशनरों की बारी है और करीब 2,00,000 पेंशनरों को इस फैसले का इंतजार। इसके साथ ही राज्य विधानसभा के विशेष सत्र को आयोजित किया जाना है, यानी यह मसला भी कैबिनेट में रखा जा सकता है। राज्य सरकार हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व दिवस की स्वर्ण जयंती पर 25 जनवरी को विधानसभा का विशेष सत्र 2 या 3 बैठकों के साथ करने का विचार रखती है, लेकिन अभी इस पर सहमति नहीं बन पाई थी। अब कोरोना की बंदिशों को देखते हुए यह संभव तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की राय इसमें ले सकते हैं। राज्य में खेल नीति और ऊर्जा नीति को पारित करने के लिए बहुत दिनों से कोशिशें हो रही हैं और इनमें कई बार संशोधन भी हो चुके हैं। अब देखना होगा कि 14 जनवरी को होने वाली कैबिनेट में क्या इन नीतियों को रखा जा सकता है या नहीं। यह बैठक दोपहर बाद 2:30 बजे के लिए तय की गई है। तो यही थी बड़ी अपडेट कि हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट बैठक का आयोजन 14 जनवरी को होना है। तो यह बैठक 2:30 बजे के लिए तय की गई है। इसके अलावा इस बैठक में जो है सरकार के द्वारा नई बंदिशों को लेकर, इसके अलावा कर्मचारियों पेंशनरों पर बड़े फैसले होने हैं। तो यही थी बड़ी अपडेट। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।